किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अनिल कुमार त्यागी और आप सबका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान चैनल में। आज मैं आपको अपने नींबू के बाग की सैर कराऊंगा। ये नींबू का बाग नहीं है, मैंने इसके तीन ओर अपने अमरूद के तीन ओर नींबू लगा रखे हैं और लेमन भी लगा रखे हैं। किसान भाइयों मुझे सबने बताया और खालिद तो दो दिन पहले मेरे से बिल्कुल एक तरह से उसने मेरे को ये कहा कि सर आप जो है ना ये लेमन के पेड़ काट दीजिए, इनकी आप बहुत सेवा कर रहे हैं, इनसे कुछ नहीं मिलेगा। तो एक और के मैंने लेमन के पेड़ काट दिए और वहाँ पर मैं अपने नींबू के पेड़ लगाऊंगा। नींबू में जो हमने खाद दी थी मैं आज उसको दिखाऊंगा कि पानी देने के बाद और कटिंग, पहले मैंने कटिंग की थी, फिर उनके थाले बनाए थे वो भी मैंने आपको बताया था, और फिर मैंने उनको उसमें खाद डलवाई, गोबर की खाद डलवाई, DAP डलवाया और पोटास डलवाया और ये डलवाया। कुछ भाई मुझसे पूछते हैं कि त्यागी जी आप ऑर्गेनिक खेती करते हो या नहीं। हाँ, सबसे पहले मेरा एक विचार था ऑर्गेनिक खेती करने का, लेकिन कुछ कारण ऐसे हुए जो मेरी कंट्रोल से बाहर थे, जैसे कि मुझे यहाँ पर अब फार्म पर, पहले ये मेरा विचार था कि मैं फार्म पर रहूँगा, यहाँ पे एक छोटा सा अपना मकान बनाऊंगा, यहाँ पर एक गाय रखूँगा और बिना गाय के जैविक खेती होना बहुत मुश्किल है, देसी गाय रखूँगा बहुत खूबसूरत। लेकिन थोड़ा सा किस्मत ने साथ नहीं दिया और मेरी पत्नी बहुत बीमार पड़ी नवंबर में, जिसके कारण मुझे देहरादून में सेटल होना पड़ा और अब मैं सप्ताह में एक या दो बार अपने फार्म पर आता हूँ। इस अवस्था में मेरे लिए ये बहुत मुश्किल है कि मैं जैविक खेती करूँ, लेकिन मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं जैविक के जितने भी उपाय हैं उन्हें करूँ। जैसे मैं वेस्ट डिकम्पोजर का प्रयोग करता हूँ, मैं उससे माइक्रोन्यूट्रेंट भी बनाता हूँ, मैं उससे पत्तियों का रस भी बनाता हूँ, और मैं जो CVR मेथड है, चिंतला वेंकट रेड्डी मेथड है जो हमारा जो मिट्टी का, मैं उसका भी प्रयोग करता हूँ, मैं छाछ का भी प्रयोग करता हूँ, लेकिन मैं DAP और पोटास प्रयोग करने से भी नहीं झिझकता। मैं केचुआ खाद भी बनाता हूँ, तो मेरा एक मिश्रित रूप है। मैं थोड़ा इंसेक्टिसाइड का भी प्रयोग कर लेता हूँ, लेकिन वो लगभग ये समझिए कि 10% से ज़्यादा नहीं होता। जब मुझे लगता है कि कोई ऐसी बीमारी, जैसे पिछली बार एक बार आ गई थी, मैं यहाँ पर खेत पर नहीं था और मिली बग का उपचार मैंने किया था, मैंने रोगोर का उसमें इस्तेमाल किया था, नींबू में मैं इमिडा का इस्तेमाल करता था। मैं ये नहीं कहता कि मैं जैविक खेती करता हूँ, लेकिन मेरे जो भी मैं इसमें खाद और दवाइयों का प्रयोग करता हूँ उनमें से लगभग 75% तक मेरी जो ऑर्गेनिक दवाइयाँ होती हैं। नींबू में हर माह मैं कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का प्रयोग करता हूँ, और किसान भाइयों आपसे भी मैं ये निवेदन करता हूँ कि अगर आप हर माह कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 3 ग्राम प्रति लीटर आप स्प्रे करते रहेंगे और थोड़ी ड्रिंचिंग करेंगे तो आपके पौधों में खुद स्वस्थ रहेंगे, उनमें ज़्यादातर प्रॉब्लम नहीं। नींबू की बागवानी पर जो पौधों की देखरेख है, हमारे कई बहुत अच्छे लेख हैं, नींबू की देखभाल, नींबू की बागवानी भाग एक, नींबू की बागवानी भाग दो, जो अमेजिंग किसान डेस्क के कॉलम में है, उसमें जो एक भाग है उसमें है, उसे मैं एक दूसरे रूप से भी सुव्यवस्थित कर रहा हूँ। तो कोई भी किसान भाई कोई सवाल पूछने से पहले वेबसाइट पर अवश्य जाएं और वहां ढूंढने की कोशिश करें। एक बार कोशिश करिए, अगर आपको लग गया उसे डाउनलोड कर लीजिए, उसे अपने उसमें सेव कर लीजिए, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। मैं ये नहीं बताता कि आपके इसमें ये बीमारी आई है और इसको जो है ना इसमें ये दवाई डाल दीजिए, मैं ये भी बताता हूँ कि क्यों बीमारी आई है और इसमें ये दवाई क्यों पड़नी चाहिए और ये दवाई है क्या, मतलब किस कार्य के लिए काम आती है, ये पूरा विवरण मैं उसमें देता हूँ। ये तो हुई एक बात। दूसरी बात मैं एक ये कहना चाहूँगा कि जो भी किसान भाई मुझसे सवाल पूछते हैं, मुझे कहते हैं कि जी मेरा पौधा तो ये मेरा पौधा है और इसके पत्ते ऐसे हो गए, बताइए मैं क्या करूँ। किसान भाइयों मैं क्या बता सकता हूँ, आप मुझे तीन चीज़ें अवश्य लिखिए, मैं ग्रुप में भी बार बार कहता हूँ, पौधे की आयु कितनी है, आपने इसमें अंतिम बार खाद पानी या दवाई किस प्रकार दी थी, और ये जो कारण है जो बीमारी आप मुझे दिखा रहे हैं ये कितने दिनों से आपने ऑब्जर्व की। राजस्थान में एक किसान भाई हैं हनुमान गुजर जी,
मेरा उनसे बहुत लगाव हो गया है, बड़े सीधे व्यक्ति हैं। उनके पौधों में एक कमी आई थी, मैंने नावेद जी से डिस्कस किया और उन्हें दवाई बताई। किसान भाइयों, अभी 5 दिन पहले उनका फ़ोन आया और उन्होंने बहुत धन्यवाद किया, कह रहे त्यागी जी मेरे पौधे अब बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं और क्या मैं एक बार और कर दूं। मैंने कहा हाँ, तुम्हारे पास दवाई है, मैंने कहा था 15 दिन में रिपीट कर देना, कर दो। अगर आपको हमारी बताई हुई विधि से फ़ायदा होता है तो इसे ज़रूर शेयर करिए किसान भाइयों, और अगर नहीं होता तो भी शेयर करिए, और अगर कोई नुकसान होता तो भी शेयर करिए, हम देखेंगे कि ये क्यों नहीं हो रहा। अब मैं आपको दो तरह के वो दिखाता हूँ, दो चीज़ दिखाऊंगा। मेरे जो पौधे थे अक्सर कर, जो आपने देखा होगा नर्सरी वाले कहते हैं हाई डेंसिटी पर नींबू लगा लीजिए। किसान भाइयों, कभी भी नींबू को हाई डेंसिटी पर मत लगाएं, इसका एक ही दूरी होनी चाहिए, कम से कम 15x15 फीट, 15 फीट लाइन से लाइन की दूरी, 15 फीट पौधे से पौधे के लिए। ये मेरा एक सुझाव है, आप मानेंगे तो आपको फायदा होगा, नहीं मानेंगे तो आपकी मर्जी। दूसरा मैं ये बताऊंगा कि कोशिश करें देसी कागजी नींबू आप उसके बीजू पौधे लगाएं, लेकिन ये ध्यान रख लें, देख लें पहले पौधा लेने से पहले, क्या जिससे पौधे ले रहे हैं उसके पास उसका मदर प्लांट है, कागजी नींबू है, या वो इतनी विश्वसनीय। कभी भी रोड साइड से मत लें। तीसरी चीज, आजकल एक नींबू की वैरायटी है कलकत्ता पत्ती वाला नींबू है, भाई साहब ऐसी कोई वैरायटी नहीं है, ये कागजी नींबू है जिसे हमें बारहमासी कहते हैं। कलकत्ता में वातावरण में नमी बहुत होती है और वे इसको गुट्टी या उसे कलम के द्वारा तैयार करते हैं लगाकर। अगर आप किसी कारण से ये पौधा ले रहे हैं तो आज मैं ये बताऊंगा कि उस पौधे का चयन करते समय आपको क्या ध्यान रखना है, और मैं ये दिखाऊंगा कि ये बारहमासी नींबू होता क्या है और किस तरह का दिखाई देता है, और जो मैंने अपने खेत में खाद पानी का इंतजाम किया है उसके बाद आज क्या स्थिति है, दो चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए पहले मैं दिखाता हूँ कि जो मैंने पहले 8x5 पर नींबू लगाए थे उनमें से दो दो नींबू मैंने उनको 10 फीट पर कर दिया, 15 फीट पर कर दिया, और जो बीच में से दो पौधे लगाए थे वो मेरे पास थैली में हैं जिन्हें मैं अब उपयोग करूंगा, और मैं आज दिखाता हूं कि उनकी क्या हालत है। किसान भाइयों, ये देखिए, ये मैंने वो पौधे निकाल कर रखे हुए हैं, काफ़ी मेरे पास करीब 40 पौधे हैं, और इनमें मैं दिखाऊंगा कि अधिकतर में फूल आए हुए हैं। ये देखिए ये फूल आए हुए हैं, अब इनमें से कुछ पौधे मैंने निकाले, इनकी मैं ज़्यादा देख रेख नहीं कर सका, आज मैं इनकी ठीक तरह से देख रेख कराऊंगा, और इनमें से जो सीधे पौधे हैं उनको मैं अपने यहाँ लाऊंगा। ये देखें कितना फ्लावरिंग आया हुआ है। ये पौधा मैंने जून 2018 का है लगाया था, पौधे खराब हो गए थे, मैं बहुत ध्यान नहीं दे पाया, लेकिन आज मैं दिखा रहा हूँ। इनकी मैंने थोड़ी कटिंग कराई थी, ये देखिए ये जो मैंने कटिंग कराई थी यहाँ तक, और अब देखें कितना फ्लावरिंग है इन पर। इसे ये कहते हैं बारहमासी कागजी नींबू, जो कोलकाता पत्ती का है। इसकी पत्ती देख लीजिए ध्यान से और ये कर लीजिए। अगर आप ये पौधे लेना चाहते हैं, कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक किसान ने मुझे बताया कि एक नर्सरी वाला मुझे 700 रुपये का पौधा दे रहा है और ये कह रहा है कि अगले वर्ष इसमें 20 किलो नींबू आएंगे। किसान भाइयों, मैं मुझे तो नहीं पता, पर इस तरह की बातों में ना आए तो अच्छा है। नींबू का पौधे को आप 4 साल तक कोई एक्सपेक्टेशन मत करें। जैसे ये फूल आ रहे हैं इनको तोड़ दीजिए, हटा दीजिए, इन पर यूरिया का स्प्रे कर दीजिए, ख़त्म हो जाएंगे, पानी दे दीजिए, अपने आप गिर जाएंगे। अगर आप ये पौधे लेते भी हैं तो इस तरह ध्यान रखिए कि यहाँ से लेकर कम से कम 1.5-2 फीट तक इसमें ये डंडी सीधी हो। अगर ये सीधी नहीं है तो ये फैक्ट्री में जो बनते हैं, देखिए इस पौधे की देखिए कैसी हो गई है, ये पौधा ठीक है इस तरह की। तो अगर आप ये पौधा देखिए, ये वाला जो है, ये वाला पौधा कितनी अच्छी डंडी चल रही है, इसको मैं लगाऊँ तो मैंने इनको सेप देने की कोशिश करी है, इनका रीप्लांटेशन अब मैं करूँगा। ये देखिए इस पौधे में, और ये देखिए कितने इसमें फ्लावरिंग आई हुई है। नींबू अगर वो कागजी नींबू है, फ्लावरिंग आएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। ये आप पौधा खरीदते समय इस बातों का ध्यान रखें।
आइए मैं आपको बताता हूँ दूसरी बात। ये देखिए, ये मेरा लेमन का पेड़ है, लेमन की लाइन है जिनकी मैंने कटिंग की थी। खालिद कह रहा है सर इनको भी काट दीजिए, क्यों इसमें मेहनत कर रहे हैं। चलिए देखते हैं, ये मेरी जो नींबू के लाइन है, देखिए मैंने इनमें कितनी अच्छी तरह से कटिंग की थी। अब मैं इनमें दिखाता हूँ कि इनमें क्या डेवलपमेंट हुआ। आप ये देखिए, अगर इनको ध्यान से देखेंगे तो कितनी फुटान हो रही है इनमें। अब खूब पत्तियाँ निकलेंगी और पत्ती निकलने के साथ साथ ही इनमें इलियाँ भी खूब आएंगी। एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है आपको, जहाँ तक आपने कटिंग की है, ये देखिए यहाँ तक हम चाहते हैं कि यहाँ तक इसमें कोई भी शाखा ना रहे, यहाँ तक कम से कम एक डेढ़ फिट। ये ध्यान से देखिए कि ये इनमें कितनी फुटान हो रही है। ये देखिए, कहीं भी देखिए आप पौधे में, ये देखिए कितनी फुटान हो रही चल रही है इसमें। ये देखिए कितनी फुटान है इसमें पौधे में। अब आपको क्या ध्यान करना है कि जहाँ तक हमने कटिंग की है उसके नीचे जितनी भी होंगी इनको आप अवश्य हटाते रहें, और चूँकि ज़्यादा बड़ी न होने दें तो अच्छा है, चूँकि ये बहुत एनर्जी जो है पौधे की ले लेते हैं। इनको साफ रखें, थोड़ा बड़ा हो जाए काट दें, और इसीलिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे भी जरूर है। आइए मैं आपको दूसरा पौधा दिखाता हूँ। ये देखिए कितने अच्छे पत्ते निकलने शुरू हो गए इनमें। इनमें भी फूल आएंगे। मैं आपको एक पौधा ये दिखाता हूँ, ये देखिए ये शुरू हो गए फूल आने, ये शुरू हो गए। पौधे छोटे हैं तो ज़्यादा उम्मीद मत करिए, लेकिन अगले साल ये आपको ठीक प्रकार नींबू देंगे। मैंने पहले इसमें कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब देखिए बहुत अच्छा किया गया। और जब ये निराई गुड़ाई लायक होगा करीब 8 दिन बाद, मैं इसमें उड़द बुआ दूंगा, और उड़द के बाद में ये जो ड्रिप पड़ी है ये पौधों में ड्रिप लगवा दूंगा, और फिर मेरे को इसमें उड़द भी देखने को मिलेंगे। और ये लेमन के जो पेड़ हैं इन्हें मैं कटवा दूँगा, और यहाँ पर जो मैं अभी आपको जो पौधे दिखाए हैं मैंने नींबू के, उनको यहाँ पर ट्रांसप्लांट करवाऊंगा, उनको थैली से निकाल कर जिन पर मेरे फूल आ रहे हैं। तो ये मेरे नींबू का बाग है। किसान भाइयों, देख रेख करिए, और जैसे ही कोई इल्ली विल्ली नज़र आए, अगर आपके पास जैविक खेती करते हैं तो खट्टी छाछ बना लें, और या जो मिट्टी सब सॉयल है उसका स्प्रे करें, और अगर आप रासायनिक करते हैं तो एक दो दवाई हैं जो ज़रूर रखें, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड रखें, 1919 का NPK रखें, और जो इमिडा है एक उसको अवश्य अपने पास रखें, बहुत कारगर दवाई है इल्ली के लिए। तो इसी के साथ किसान भाइयों, मैं एक बात और साझा करना चाहूँगा अमरूद की नर्सरी का हमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे जो शैलेंद्र सिंह रघुवंशी हैं, आप इसे प्रचार समझिए कुछ भी समझिए, तो मेरा कार्य है आपको अच्छी नर्सरी बताने का जो मैंने बताया। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस बार, अभी मैं आपको एक सूचना दूंगा करीब 15-20 दिन बाद, कि जिन भाइयों को पौधे चाहिए वो अपने पौधे हमें बता दें। अगर आप यहाँ से उठाना चाहते हैं तो यहाँ से भी उठा सकते हैं अमरूद के पौधों के लिए। दूसरी बात ये हुई कि मैंने एक जय हिंद नर्सरी है भिवाड़ी में, उसके अनिल यादव जी हैं, मैं पिछले करीब 10 दिन से उनसे लगातार बात कर रहा हूँ कि किसानों को नींबू के पौधे मिले। मुझे बहुत शिकायत मिलती है नींबू में बहुत धोखा है और या बहुत महंगे पौधे मिलते हैं, और नींबू का पौधा 20 रुपये से 50-60 रुपये तक भी आता है, और 100-125 तक आता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं आता। डिपेंड करता है कि पौधा कितना बड़ा है और किस प्रकार का है। हम इसमें अभी एक हमने कार्यक्रम बनाया है, कई नर्सरी जाएंगे, कई सरकारी उद्यानों में जाएंगे, सरकारी प्रयोगशाला में जाएंगे, और वहाँ पर जाकर आपको ये बताएंगे कि नींबू जो अच्छे कागजी नींबू हैं उनकी कौन कौन सी प्रजातियाँ हैं, यानी वैरायटी हैं, और ये प्रजाति किसकी बनाई हुई है और कैसे दिखती है और कितना इसका फलन होता है और किस क्षेत्र के लिए ये उपयुक्त होती है। हम केवल यह नहीं बताएंगे कि ये कोलकाता पत्ती का है जिसका के कोई इस नाम की वैरायटी नहीं है, जैसे हम कहेंगे कि भाई ये मैक्सिकन लाइम है, हम इस तरह की भरमार प्रचारक नहीं होंगे, इसके साझी
नहीं होंगे। हम आपको ये बताएंगे कि ये वैरायटी हैं और इनमें से आप चुनाव कर लीजिए, हमारे यहाँ से लीजिए या नर्सरी से लीजिए। इसी के साथ विदा लेता हूँ, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।